हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ का साइंस का फर्स्ट लेसन जो है, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं या किसी के हो रहे होंगे, तो इसलिए हम आज रिविजन चैप्टर आपको कराएंगे और इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपको कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिस जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ये स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं इसके नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, ठीक है, क्लास सेवन्थ का साइंस का फर्स्ट लेसन। ठीक, चलिए। सबसे पहला पॉइंट है, सूर्य सभी सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप सिंपल सा जवाब लिख सकते हैं, हरे पौधे में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब है पत्तियों में पाया जाता है, ठीक। अगला पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट और रह गया हमारा, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करता है। तो क्लोरोफिल हमारे लिए क्या सहायता करता है? सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने में, ठीक है। अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनता है, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे भोजन के लिए के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। तो आपसे डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पत्तियों में स्टार्च इसकी उपस्थिति का होना दर्शाता है, तो इसका जवाब है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति का होना दर्शाता है। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक। अगला है, मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोगी रूप में परिवर्तन कर देते हैं और इसे मृदा में छोड़ देते हैं, ठीक। अगला है, कीटों के भक्षण करने वाले पौधे जो हैं कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप कहते हैं, पादप मतलब पौधे, ठीक। अगला पॉइंट है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन क्या है? सहजीवी संबंध का उदाहरण। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइकेन का एक उदाहरण दीजिए, सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है, ठीक है। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वसा विटामिन तथा खनिज हमारे भोजन के संघटक होते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन तथा खनिज क्या है? हमारे भोजन के संघटक तत्व होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन के संघटक आवश्यक होते हैं, जिन्हें पोषक कहा जाता है, ठीक है। पोषक किन्हें कहा जाता है? जो भोजन के संघटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। और इसमें क्या क्या होते हैं इस भोजन के संघटक? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन तथा खनिज जो है हमारे भोजन के संघटक होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका जवाब है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है, जैसे कि वन पॉइंट है, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो शरीर निर्माण के लिए, नंबर तीन, शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए, नंबर चार, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा के लिए कहाँ से आएगी जब खाद्य हम खाएंगे? तो क्यों ज़रूरत है हमें खाद्य की आवश्यकता? इसीलिए काम करने के लिए ऊर्जा हमें चाहिए,
शरीर निर्माण के लिए हमें चाहिए, फुफ्फुस की मरम्मत के लिए चाहिए और कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परजीवी तथा मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, परजीवी क्या होते हैं और मृत जीवी क्या। परजीवी क्या है, सबसे पहले ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, और मृत जीवी क्या करते हैं, अन्य पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। और नंबर टू क्या है, परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं, ये जो है किसी अन्य शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। और मृत जीवी क्या होते हैं, सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको इनमें अंतर समझ में आ गया होगा दोनों में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए, अभी हमने आपको समझाया था कि आप मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। पत्तियों में हम क्या आयोडीन की बूंदें कुछ गिराएंगे तो हम उसमें मंड की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं। जब आयोडीन मंड स्टार्च के संपर्क में आता है तो उसका रंग जो है नीला हो जाता है, नीला रंग नागेर आता है, नीला रंग आता है उसमें। ठीक है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है उसका विवरण देना है आपको। तो इसका जवाब है, पादपों के खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। तो पौधों का जो है खाद्य संश्लेषण कैसे होती है, उसकी क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो पत्ती में क्लोरोफिल होता है वो कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। ठीक है, ये तो करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये तो आप चित्र ही बनाएंगे तभी करेंगे। अगला क्वेश्चन देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति। हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बताते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश डैश के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रक में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन है, यह है अमर बेल। ठीक है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषी दोनों प्रणाली पाई जाती है, ऐसा कोई पौधा बताइए जिसमें स्वपोषी और परपोषी विषम पोषी दोनों प्रणाली अपनाई जाती है, तो ये है खटपर्णी। ठीक है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, पर्ण रंध्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर टिक लगाइए। अमर बेल उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है अमर बेल, ये है स्वपोषी का। ठीक है, नहीं स्वपोषी का कैसे आएगा अमर बेल, अमर बेल तो आएगा परजीवी का उदाहरण, स्वपोषी का नहीं आएगा परजीवी का। अमर बेल किसका उदाहरण है, अमर बेल है परजीवी का उदाहरण। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, ये तो सबको पता है, पिचर प्लांट या घटपर्णी इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बी का मिलान करना है आपने। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, जो है पत्ती में पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती में। ठीक है, पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। अमरबेल क्या है, परपोषी है।
नाइट्रोजन क्या है? जीवाणु करते हैं। जंतु क्या है? जंतु घाव परपोषी, गौ अमरबेल क्या है? परजीवी है, ठीक है, परजीवी अमरबेल। और कीट बक्सी क्या है? घटपर्णी, ये घटपर्णी कीट बक्सी है, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाएगा हमारा पत्ती में, ठीक है। और कीट बक्सी क्या है? घटपर्णी, ये दो तो हो गए। अमरबेल क्या है? परजीवी है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या है? जीवाणु लेते हैं नहीं, जंतु क्या है? परपोषी हैं। दो का तीसरा घटपन, अच्छा दो का नहीं, घो का जंतु क्या है? परपोषी, ठीक हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न कथनों में से सत्य तथा असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये गलत है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? मृतजीवी, तो ये मृतजीवी कहलाएंगे, ये भी गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, नहीं कहलाएंगे मृतजीवी ना, दोनों गलत हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये सत्य है, ये सही है, बिल्कुल राइट है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो ये क्या है? ये सही होगा, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी परीक्षा में जो है हेल्प करेंगे ये नोट्स, इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा ताकि आप लोग भी अच्छे से अच्छा कर सकें, और पूरा लेसन अगर ना भी पढ़ सकें तो ये नोट्स को अवश्य ही पढ़ के चाहिएगा, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में आपके लिए नए नोट्स फिर से लेके आएंगे अगले लेसन के, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।